नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचर्ट। फरुखाबाद जिले के थानों की पुलिस की नाकामी के चलते दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जबकि थाना जहानगंज के एसओ संजीव राठौर अपनी कार्यगुजारी के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा ही मामला गांव रूनी चुरसई गांव का है, जहां मां की मौत के बाद से युवती अपनी नानी के घर रहती थी। युवती के नाना तेजराम का पुराना विवाद गाँव के दबंगों से चला रहा है। आज मामूली विवाद के चलते युवती खेत से घर जा रही थी, उसी समय दबंगों ने युवती को खेत से खींचकर अंदर खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे, जिससे युवती के सारे कपड़े फट गए। युवती की चीख पुकार सुनकर युवती का मामा मुरारी मौके पर पहुंचा, जिसने अपनी भांजी को बचाने का प्रयास किया तो दबंगों ने युवती व उसके मामा व नानी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर दो घंटे तक नहीं पहुंची। उसके बाद जब घायल पीड़ित थाने पहुंचे तो थाने से उनको भगा दिया गया। परिजन तीनों की हालत खराब होने पर सीएससी लेकर पहुंचे, वहां तैनात डॉक्टर मानसिंह ने लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। उधर पुलिस न आने से उधर दबंगों ने बेखौफ होकर पीड़ित परिवार के घर में आग लगा दी। थाना अध्यक्ष संजीव राठौर की सैप पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं प्रदेश की सरकार महिला की सुरक्षा को लेकर कानून बना रही है, लेकिन थानों की पुलिस दबंगों के हौसलों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। देखना यह होगा कि क्या इसी प्रकार से थाना क्षेत्र में दबंग घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और पीड़ितों को थाने से भगाया जाता रहेगा। घटना में घायल मुरादी ने बताया कि गांव के ही संदीप, कुलदीप, राजकुमार, राम नरेश, भूदेव, भानु राजपूत, इन सभी लोगों ने मेरी भांजी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब हम और हमारी माँ राम बेटी बचाने के लिए खेतों पर पहुंची तो दबंगों ने हम लोगों को भी मार कर घायल कर दिया। पुलिस हमारी कोई भी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। इस घटना पर कोई भी पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। समाचार रिजाइट के लिए फरुखाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं आपको मारा किस बात पे लेके मारा आपको? वो मुझे पकड़ ले गया था, छेड़छाड़ी करी उनने और मेरे भैया आ गए, फिर उनने बचाया, फिर उन्होंने तुम्हारे छेड़छाड़ी क्यों करी पता नहीं। तो कहाँ ले जा रहे थे आपको वो लोग? वो अपने खेत में को ले जा रहे थे। कई लोग थे? 6-7 जने थे। आपको कोई बचाने नहीं आया? मेरे भाई बचाओ ना आए थे, फिर उन्हें पकड़ लो भाई कर लेते हैं उन्हें, सब जन मारो। और आपको किस चीज से मारा? हमें फंटी से मारा। कैसे मारा? भागे नहीं क्या आप खेत में? भागे थे तो भाई उन्हें फेंक के मारी। तो दौड़ा दौड़ा के मारा? हाँ। आपका जोर तो बोलो। कौन थे? कौन थे आई? क्या मामला था जी? पानी की पिछेला गाली गलौज पहले हुआ था, इसके बाद में उन लोगों ने मेरे घर पे कोई नहीं था तो उन लोगों ने मारपीट की। जब हमारे घर वाले बाजार से आए तो उन्हें घेर के मारा, घर पे कोई नहीं था। हमारी बिटिया थी, हमारी सास थी, हमारे घर वाले तीन ही लोगों को मारा। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले 8-10 लोग थे। क्या नाम है उनका? उनका एक नाम है सुदीप, एक बोलते हैं कारे कारे कुलदीप, राजकुमार, राम नरेश। तो आपकी भांजी संग क्या किया उन लोगों ने? क्या किया भांजी के संग आपके? खींचे ले गए, खींचे ले जा रहे तो हमारे घर वालों ने बचाया, इसीलिए। तो क्या करा और भांजी के संग आपके? भांजी को लिए जा रहे थे 10-12 लोग। अच्छा, कहाँ लिए जा रहे थे? पता नहीं कहाँ ले रहे थे। कपड़े अपड़े फाड़े क्या? कपड़े फाड़े थे और मारपीट की जैसे। अच्छा, तो फायरिंग कहीं करी उन लोगों ने? उन लोगों ने दो तीन फायरिंग। तो किस चीज़ से मारा? किस चीज़ से मारा भांजी का आपको? भांजी को मतलब तमंचा भी था उनके साथ में और लाठी डंडा थे। अच्छा, तो क्या कपड़े पर फाड़ दिए क्या? कपड़े फाड़ दिए थे। अच्छा, थाने गए थे आप? पहले गए थे उस पे चौकी पे, चौकी पे कोई सुना? पहले 100 नंबर पे फोन किया, थाने गए तो थाने वालों ने यहाँ भेजा। कौन सी चौकी पे था? बघार चौकी। वहाँ क्या हुआ? वहाँ कोई लोग थे ही नहीं, उन्होंने कहा जानकर थाने जाएंगे। क्या नाम है आपका? कौन थे आए यहाँ? क्या मामला था लड़ाई वाला?
लाइक मैटर ये था कि जे बिटिया जो हमारी भानेज है जे जा रही थी, ट्यूबवेल पे एक घर है और एक सड़क पे एक गांव में है, तो जे ट्यूबवेल वाले घर से सड़क पे जा रही थी, इतने में जे लोग मोटरसाइकिलों से आए डंडा लाठी लेके और तमंचा साथ में थे, तो पहले इन्हीं को पकड़ लिया, फिर ये रोई चिल्लाए, तब घर परिवार वाले आए कि क्या बात हुई, क्या बात, साई साबूति करने में इनको भी मारा पीटा। किस चीज से मारा? फंटी थी और तमंचा थे हाथ में। तमंचा क्या फायर? जान से मारने की धमकी दी इन्होंने। तमंचा क्या फायर करे? हाँ, फायर किया एक फायर। हाँ, तो मारने वाले कई लोग थे? मारने वाले 6 लोग थे और अज्ञात में लोग और थे, 2-3 मोटरसाइकिल थे। पहचान नहीं पाया। तो जिसकी जो मारा है लड़के का नाम क्या है? शिवानी राजपूत। कई लोगों को मारा? 3 लोगों को। नाम क्या है 3 लोगों का? मुरारी की खपड़ी फटी हुई है और बिटिया की भी मतलब बेइज्जती की है और इसके मारपीट की है। बिटिया ने क्या क्या करा? क्या करा बिटिया ने? कुछ नहीं किया। तो नहीं, बिटिया आप बता रही हो छेड़छाड़ कर किया मामला है? मामला कुछ नहीं था। नहीं, कपड़े पड़े फाड़े क्या? कपड़े पड़े नहीं फाड़े, वो उसके सर में फंटी अंटी मारी है। क्या नाम है आपका? कौन से गांव रहने वाले? चुपसाई। किस बात पर एक लड़ाई हुई है? पता नहीं, हमें जाना है। अरे पानी के मतलब और फिर बिटिया घर से जा रहे थे और फिर इनने मारो पीटो, इनने आग लगा दी हमारे घर में। अच्छा, तो किस चीज से मारा आपको? डंडा लाठी दिया, तमंचा दिया। तमंचा था? कितना बड़ा? कई फायर करे? एक फायर करी हमने। अच्छा, फिर थाने रिपोर्ट करी? थाने रिपोर्ट करी। फिर थाने वाले ने रिपोर्ट कर दो। मामला है क्या है? पूरा मामला है जहानगंज क्षेत्र का लड़ाई का मामला है, जिसमें 3 आए हुए हैं मरीज। लड़की है, उसको गंभीर चोट लगी, सेवानी नाम की, मुरारी के सर में चोट लगी हुई है। एक महिला और उनको चोट लगी हुई है। क्या हालत, कई थी हालत है? सेवानी को रेफर कर रहे हैं, गंभीर स्थिति है, उसको पलटी आ रही, सर में चोट लगी हुई है, बाकी 2 ठीक है। किसके द्वारा लाया गया ये? थाना जहानगंज के द्वारा।